1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की याद में विजय दिवस मनाने के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता पुराने रेल मार्ग चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग को 55 साल बाद फिर से खोले जाने का गवाह बने। दोनों ने दोबारा इस रेल मार्ग का उद्घाटन किया। 1965 के युद्ध के दौरान चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक शुरू होने से बांग्लादेश से असम और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। शुरुआत में इस रेल लिंक का इस्तेमाल सामान लाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। बाद में पैसेंजर सेवा भी शुरू हो सकती है। आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज 50 से 55 साल बाद हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश और इंडिया का बीच ट्रेन चालू हो रहा है। ये लाइन चालू होने से इस इलाका का जितने सारे बिजनेसमैन है सबको बहुत उपकृत होगा और आगे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन आएगा। इस अवसर पर दोनों देशों ने कई और MOU भी साइन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विजय दिवस के तुरंत बाद आज ही हमारी मुलाकात विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन ताकतों पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा। वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। पीएम मोदी बोले कि दोनों देश कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं जो हमारी दोस्ती को दिखाता है। भारत हमेशा बंगबंधु का सम्मान करता है। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से कहा, आपकी सरकार ने जिस तरह से कोविड-19 का मुकाबला किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। साथ ही मैं उन 30 लाख शहीदों को गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। मैं 1971 की लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों को श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए पूरे दिल से समर्थन दिया। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार उच्च स्तर पर संपर्क बना हुआ है। इसी के तहत साल 2019 के अक्टूबर महीने में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने भारत का आधिकारिक दौरा किया था, तो वहीं पीएम मोदी ने मार्च 2020 में मुजीब वर्षो के ऐतिहासिक मौके पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। दोनों देश के नेता कोरोना महामारी के दौर में भी लगातार संपर्क बनाए रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।